Hey everyone, welcome back to channel again. I hope you guys are vibing and I hope you are safe. क्योंकि कोविड बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा और लॉकडाउन भी काफ़ी जगह लग चुका है. तो कोविड के दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई. लोगों को पता है घर से बाहर नहीं निकलना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है अपने आप को. बट आई डोंट नो कि क्यों ऐसा नहीं कर रहे हो. कोई बड़ी बात तो नहीं है ना. यही एक फेज़ है जिसमें आपको घर में रहना है थोड़ी देर के लिए, जिससे आप खुद, आपकी फैमिली और बाकियों की फैमिली सेफ रहेगी. तो जिनको समझ आ रहा है वो घर पे हैं, बट स्टिल केसेस बढ़ रहे हैं. रीज़न तो यही है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर पे होंगे, सेफ होंगे, डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क ज़रूर पहनिए. चाहे आप घर में किसी से बात कर रहे हो या बाहर मिल रहे हो किसी से, तो मास्क पहनना ज़रूरी है. तो कहीं की जगह तो अब ऐसा सीन हो गया कि डबल मास्क पहनना पड़ रहा है. मतलब कि अब ऐसा, मतलब कि अपडेट्स आ रहे हैं, न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, इंटरनेट पे आ रहा है कि सिंगल मास्क से उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा. सो पीपल स्टार्टेड वेयरिंग डबल मास्क. तो सही है एक तरीके से, जितने प्रिकॉशंस लो उतना अच्छा है. कोविड होने से अच्छा कि प्रिकॉशन ले रहे, मास्क एक्स्ट्रा पहन लो, क्या चला जाए. तो यही है, लॉकडाउन लग चुका है ऑलमोस्ट हर स्टेट में लग चुका होगा. क्योंकि मैं दिल्ली में था, दिल्ली में लॉकडाउन लग गया हफ्ते का. तो फिर मैं जम्मू शिफ्ट हो गया वापस अपने घर पे, और यहाँ पे भी 5-6 दिन का लॉकडाउन लग चुका था. तो वो भी एक्सटेंड कर दिया 2 दिन के लिए. सिर्फ सुबह 7 से 10 जो ग्रॉसरी शॉप होती है वो खुली होती है, सब्ज़ी लेनी है वो सुबह मिल जाएगी, और जो आपका थोड़ा बहुत राशन पानी जनरल स्टोर से जो मिलता है वो मिल जाएगा बस. और बाकी पूरे दिन दुकानें बंद रहेगी, जो कि एक सही स्टेप है कोविड को कंट्रोल में करने के लिए. गाइस लॉकडाउन लग चुका है, मतलब कि अब फिर से होम वर्कआउट शुरू हो जाएगा सब लोगों का. जो फिटनेस फ्रीक है वो तो करेंगे, और जो फिटनेस फ्रीक नहीं है वो लॉकडाउन में करना ज़रूर कर लेंगे. इतना मुझे पता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, जिन बंदों ने कभी पुशअप नहीं मारे हुए ज़िंदगी में, उन्होंने लॉकडाउन में वर्कआउट करना शुरू कर दिया था. क्योंकि वही एक तरीका था अपने को फिट रखने का, क्योंकि एक्टिविटी उतनी ज़्यादा हो नहीं रही, चल फिर नहीं पा रहे. तो होम वर्कआउट सही है, इसके बारे में बात करेंगे अभी अपनी पोस्ट वर्कआउट मील के साथ. मील में लूँगा मैं ब्रेड, 2-3 एग वाइट्स, और साथ में मूंग कॉफी. तो मिलते हैं पोस्ट वर्कआउट. लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में जो हमारा वर्कआउट होगा उसकी, तो होगा वर्कआउट तो बॉडी वेट ही, क्योंकि नहीं वेट्स का भी हम यूज़ करेंगे, कस्टमाइज वेट करेंगे. हम डम्बल नहीं लेंगे, रॉड नहीं लेंगे, अभी हम फिलहाल बैग में ही बुक्स भर के उन्हीं को डम्बल्स की तरह यूज़ करेंगे. तो ये आगे हमारी प्री वर्कआउट मील में लिया था मैंने 2 एग वाइट्स और 2 ब्रेड ली हुई है. पहले मैं 3 एग वाइट्स और 4 ब्रेड लेने की सोच रहा था, बट फिर मैंने सोचा कि अभी अराउंड 5:30 बज रहे हैं, तो और साथ में कॉफ़ी, तो सोचा ये कि अगर ज़्यादा कार्ब्स लेंगे तो अभी फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वर्कआउट हमारा उतना हो नहीं रहा, हमारी कैलरीज उतनी ज़्यादा बर्न होगी नहीं, क्योंकि होम वर्कआउट से उतनी आप कैलरीज बर्न नहीं कर सकते जितना आप हैवी लिफ्टिंग करके कर सकते हो जिम करके. तो इसलिए 2 स्लाइसेस ब्रेड, 2 एग वाइट्स, 1 कप ऑफ कॉफ़ी, बेस्ट प्री वर्कआउट मील अगर आपने घर में वर्कआउट करना है. और मेरी यही मील है काफ़ी 3-4 दिन से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, और इस बार वर्कआउट भी काफ़ी अलग हो रहा है. सिंपल, ओनली सॉल्ट थोड़ा सा बस. इसमें चाहता हूँ कि जो मेरा लॉकडाउन ये निकलेगा, जहाँ भी अगर आपके यहाँ चल रहा है, मेरे यहाँ चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वेस्ट ना जाए, कुछ अच्छा ही निकले, प्रोडक्टिव निकले. क्योंकि योगा मेडिटेशन मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी ही करी होगी, याद भी नहीं कब करी थी. तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी आदत डालूँ, क्योंकि वही जो आपके इंटरनल बॉडी है उसको अच्छा रखता है, आपके मेंटल पीस को अच्छा रखता है, मेंटल हेल्थ अच्छी होती है उससे, और मूड अच्छा रहता है. वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम पे दुनिया इतनी फ्रस्ट्रेटेड है काम को लेकर, पढ़ाई को लेकर, ना जाने किसी चीज़ को लेकर. योगा मेडिटेशन है जो सारा स्ट्रेस हल्का कर देती है. तो इसलिए आज से योगा मेडिटेशन दोनों अपने सेशन में होंगे. तो ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा बचा है, फिर मिलते हैं वर्कआउट पे.
सो गाइस वी आर डन विद अवर प्री वर्कआउट भी खा लिया, अब स्टार्ट करने वाले हमने वर्कआउट। ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया प्री वर्कआउट भी खा रहे, तो अब सही टाइम है वर्कआउट स्टार्ट करने का। तो मैं दिखा दूँ कि वर्कआउट में क्या क्या यूज़ होने वाला है। तो ये है छोटा सा रूम जहाँ पे मैं वर्कआउट करूँगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी वेट वर्कआउट करना है, बॉडी वेट से एक्सरसाइज करनी है, तो ज़्यादा बड़ा रूम चाहिए नहीं। तो ये रूम और ये मेरे इक्विपमेंट्स, ये जो को सबसे पहले लाइट दिख रहा है वो हैवी है, फिर वो थोड़ा लाइट है, वो सबसे लाइट है। तो ये जुगाड़ लगाया हुआ अपना, तो इन्हीं मैं डंबल्स की तरह यूज़ करूँगा, जैसे मैंने ड्रॉप सेट मारना है, हैवी सेट मारना है, तो मैं इन्हीं बैग का यूज़ करूँगा। तो अभी हम करने वाले हैं अपर बॉडी वर्कआउट। तो अपर बॉडी वर्कआउट में हमारा जो चेस्ट हो गया, हमारा एब्स हो गए, हमारे बाइसेप्स हो गए, हमारे ट्राइसेप्स हो गए, हमारे शोल्डर्स हो गए, तो वो सब हम ट्रेन करेंगे। और जल्दी मैं देख रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे लॉकडाउन खुलता है कुछ दिन के लिए, तो मैं थोड़ा रॉड और जो प्लेट्स होती है वेट प्लेट्स वो लेकर आ जाऊँगा मैं, तो अच्छी तरह वर्कआउट कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट वर्कआउट। सबसे बेस्ट चीज़ होती है प्रोटीन लेना, ताकि आपकी मसल रिकवरी तेज़ हो जाए। तो मैं ले रहा हूँ, ये एक्चुअली मैंगो शेक था, मैंने पूरा भरा हुआ था, मैंने पी लिया, और उसमें एक स्कूप वे प्रोटीन, तो मैं ये ले रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप वे प्रोटीन लीजिए, अगर आपके पास एग वाइट्स है तो आप एग वाइट्स ले सकते हैं, 5 एग वाइट्स ले लीजिए, चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं आप 100 से 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट ले लीजिए। तो मतलब ये एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। जो वेज वाले हैं वो टोफू ले सकते हैं, वो सोया चंक्स ले सकते हैं, वो सोयाबीन ले सकते हैं, तो उनके सबके पास बड़े सारे ऑप्शन है, बस आपको एक हेल्दी ऑप्शन चुनना है। तो ये इसे पीते हैं पहले।